तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने विंडोज़ पे आने वाले अपडेट को जो कि माइक्रोसॉफ्ट से आते हैं उन्हें पॉज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो रीज़न विंग कि क्यों हम ये करते हैं कुछ नैरियो में जब आपको पता है कि आप नेक्स्ट सेवन डेज़ या फिर यू नो फिफ्टीन ट्वेंटी डेज थर्टी डेज़ आप बहुत ज़्यादा बिजी आपका शेड्यूल है आप उसे अपडेट पे नहीं डालना चाहते या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आप रन कर रहे हैं या एक्स एक्सफाइट जो भी आपका रीज़न हो आप अपने सिस्टम को पॉज करना चाहते हैं आपके अपनी सॉरी आप अपने सिस्टम पर जो भी अपडेट है उन्हें पॉज करना चाहते हैं कुछ टाइम फ्रेम के लिए तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा अब इस वीडियो में हम आप उसी पे बात करने वाले हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे पर्मांटली जैसे डिसेबल कर सकते हैं कि आपके पास अपडेट ना आए बिकॉज रिसेंटली जैसे कि विंडोज़ टेन सिस्टम पे अपडेट आ रही नो विंडोज़ एलेवेन के लिए तो मोस्ट ऑफली जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जो इतने यूज टू नहीं है मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ वो विंडोज टेन फैम यू नो फैमिलियर हो चुके हैं विंडोज़ टेन से तो विंडोज़ इलेवन के अपडेट नहीं चाहते हैं वेल well, माइक्रोसॉफ्ट जो ये विंडोज़ के लिए अपडेट देता है ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है बट इनकेस अगर आप नहीं चाहते हैं तो उससे भी आप स्टॉप कर सकते हैं आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा नहीं तो ये वीडियो काफ़ी यू नो लंबा हो जाएगा तो चलिए फटाफट से हम इसे शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने टास्क बार पे आप अपने टास्क बार पे यहाँ पे एक विंडोज़ का आइकन देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे टाइप करना होगा विंडोज देखिए जैसे मैंने अपडेट टाइप किया है विंडोज यहाँ पर आ जाता है आपके पास विंडोज अपडेट सेटिंग तो आप सिंपल से हाँ जैसे ये अब आपके पास आ जाए आप ओपन पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा अब रिसेंटली क्योंकि मैंने अपडेट कर रखा है ऑलरेडी लेकिन अब मुझे पता है कि नेक्स्ट सेवन डेज मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे पास टाइम शेड्यूल मेरा इतना टाइट होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा या एक्स्ट्रा एक्ज जो भी आपका रीज़न हो या फिर आप चाहें तो इसे यू नो वीक टू आइज टू मीन फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज टू वीक्स थ्री वीक्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको करना होगा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पे जैसे चेक फॉर अपडेट है इसके बिल्कुल ठीक नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉज अपडेट्स का ऑप्शन है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉज अपडेट में आपके पास ऑप्शन है आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि जब से आप इस कर्सर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पॉज फॉर अ वीक वॉज फॉर टू वीक्स थ्री वीक्स फोर वीक्स फाइव वीक्स के लिए ऑप्शन है तो आप अपने अकॉर्डिंग वन वीक टू वीक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने वन वीक ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे टू वीक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये यह बता भी रहा है मेरे को कि आपको जो भी अपडेट होगा वो यहाँ पर आपको जो नहीं मिलेगा जैसे कि अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्सटेंड किया है इसको ठीक है आप इससे एक्सटेंड कर कर दिया है मैंने तो ये मेरे को बता रहा है कि आपको सेकेंड ऑफ यू नो सेप्टेम्बर तक ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक कोई अपडेट यहाँ पर जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे पॉज रहेगा और अगर आप इसे रिज्यूम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप अपने अपडेट्स को जो भी माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज से जो भी अपडेट आएंगे आप उन्हें पॉज कर सकते हैं और इस तरीके से ही आप अगर चाहें तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं या फिर रिज्यूम अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हैं आप तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें